चीन में सरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रति लगातार सख्ती अपना रही है। यहां आय के अंतर को कम करने की नई नीति के तहत मशहूर हस्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब इन्हीं उपायों के मद्देनजर जानी मानी चीनी अभिनेत्री झेंग शुआंग पर कर चोरी के मामले में 4,61,00,000 यानी करीब 339 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शंघाई म्युनिसिपल टैक्स सर्विस ने झेंग पर एक टीवी सीरीज की शूटिंग के दौरान 2019 और 2020 के बीच आय की सही जानकारी नहीं देने और टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना लगाया। टैक्स अधिकारियों ने कहा है कि झेंग का मामला फिल्म और टेलीविजन उद्योग में यिन और यांग अनुबंध की स्थिति का उदाहरण है। यिन और यांग अनुबंध का मतलब है दो पक्षों के बीच एक ही समझौते के लिए दो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। असल दस्तावेज केवल दो पक्षों के बीच रहता है जबकि दूसरे दस्तावेज में कम वेतन दिखाया जाता है और यही दस्तावेज टैक्स एजेंसियों को दिया जाता है ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है कि अत्यधिक कमाई वाले मनोरंजन उद्योग के नियमन को कड़ा करने के प्रयासों के तहत झेंग पर जुर्माना लगाया गया है। नेशनल रेडियो और टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण रोक देना चाहिए जिनमें झेंग ने काम किया है। झेंग को इस साल की शुरुआत में सरोगेसी के जरिए हुए अपने दो बच्चों को अमेरिका में छोड़ने के आरोपों को लेकर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मौजूदा पंचवर्षीय योजना में सबकी समृद्धि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद अमीर लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चीन सरकार ने व्यापक स्तर पर आय में असमानता, बढ़ते कर्ज के स्तर और कम होती खपत से निपटने के लिए बड़ी कार्रवाई की है जिनमें अलीबाबा भी शामिल है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।